आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अहमदाबाद में पुलिस वाला ही रक्षक की जगह भक्षक बन बैठा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम ब्रांच के पीएसआई को पुलिस ने बीते दिनों एक महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था। महिला अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने गई थी। उस वक्त पुलिस में तैनात पीएसआई ने महिला से फोन नंबर लिया था। बाद में उसे बार बार मैसेज भी किया करता था। एक बार पीएसआई ने महिला के पति की गुमशुदगी के केस की जांच का हवाला देकर अकेले में एक होटल में मिलने बुलाया था, जहां पर पीएसआई ने महिला के साथ जोर जबरदस्ती करके दुराचार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन महिला ने इसका विरोध किया था और वहां से भाग निकली थी। और फिर वार्ड पुलिस स्टेशन में जुलाई 2020 को मिश्रा के विरुद्ध एफआईआर दाखिल करवाई गई थी। बाद में यह जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। क्राइम ब्रांच में टेक्निकल सर्वेलाइंस के सबूत के आधार पर 10 दिसंबर 2020 को पीएसआई मिश्रा की गिरफ्तारी की थी। सूत्रों की माने तो महिला ने यह सब पुलिस कार्य में खुद के एक सहयोगी पुलिसकर्मी ने महिला की मदद की है, तब जाकर पीएसआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो पाई है। अब पीएसआई मिश्रा को निलंबित करने की प्रक्रिया की जाएगी। उसका पति गुम हो गया था, उसकी जानवर जो दाखिल करवाने गई थी, तब ये मिश्रा साहब ने उसके जानवर जो दाखिल कर लिया और उसकी तपास वहाँ वाड़क पुलिस के एएसआई कर रहे थे। एएसआई ने निवेदन के लिए प्रगति बहन को बुलाया था, तब ये मिश्रा ने उनको व्हाट्सएप कर करके और के पति गुम जाए की बाबत में उनको होटल के रूम में ले गए और वहाँ उनके पास दुष्कर्म करने की कोशिश की और वो लेडी उसके प्रतिक्रिया करके भाग गई थी वहाँ से। उसके बाद बड़े बड़े उन्होंने फरियाद दी, फरियाद के आधार पर हमको पूरा मिला, इस लोगों ने देखकर हमने उसको अटक किया।